थैंक यू आपको करना चाहूंगा जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर इवेंट को आप टेलीकास्ट करेंगे, राजौरी के लोग भी देख सकते हैं। ये इवेंट करवाया है हमने पावर लिफ्टिंग के रिलेटेड, तो इसमें राजौरी के कहीं मतलब दूर दूर जगह से यहाँ पे लोग यहाँ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये मेन है कि एंटी ड्रग्स के अगेंस्ट और फीमेल एम्पावरमेंट के लिए है कि लड़कों को तो तब भी पेरेंट्स पार्टिसिपेट करने देते हैं इन चीज़ों में, लेकिन फीमेल्स को पार्टिसिपेट नहीं किया जाने दे रहा है यहाँ पे राजौरी में, क्योंकि वो एक फीमेल है तो उसको पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। लेकिन मेरा ये मैसेज है राजौरी के लोगों के लिए कि फीमेल को पार्टिसिपेट करने दिया जाए, फीमेल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, फीमेल भी बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सा लें, ये भी होना चाहिए। और कुछ बच्चे जो मेल्स हैं उनके घरों से भी पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। सिर्फ पढ़ाई पे जोर देने से क्या होगा, उसकी आउटडोर एक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे एक स्टेट प्रेसिडेंट आए हुए हैं श्री पंकज दत्ता जी, उनके सपोर्ट से मैं ये काम करवा रहा हूँ। तो इसमें हमें सपोर्ट कर रही है राजौरी की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एसएसपी सर का बहुत बड़ा योगदान है, बिना उनकी हेल्प के तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन का जो उन्होंने हमें अलाउ किया ताकि हम ये ऑर्गेनाइज करवा सकें। खास तौर पर यूथ और वुमेन्स की तरफ से इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन जो मेल्स हैं मेल बॉयज हैं उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। वो काफी दूर दूर से कालाकोट से आए हैं, नौशहरा से आए हैं, कोटरंका से आए हैं, थना मंडी से आए हैं, मंजाकोट से आए हैं, काफी दूर दूर से आगे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा। तो मतलब बहुत अच्छा है राजौरी के लोगों के लिए, तो आगे भी हम इसी तरीके से ऐसे इवेंट करवाते रहेंगे।